हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हो इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करते हैं, जो दोस्तों आप लोगों को प्रीव्यू में देखा। दोस्तों आप लोग इस गाने के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड वीडियो बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए एलाइट मोशन ऐप की जरूरत है। दोस्तों आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके एलाइट मोशन ऐप को डाउन करना। फिर दोस्तों आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना, फिर यहाँ पे आप लोगों को दो प्रीसेट लिंक मिलेगा और दो एक्सएमएल फाइल का लिंक मिलेगा। दोस्तों आप लोग कोई भी दोनों लिंक को एलाइट मोशन ऐप पे इनपुट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पे प्रीसेट लिंक को ही यहाँ पे एलाइट मोशन ऐप पे इनपुट कर लेना। दोस्तों ये प्रीसेट लिंक एलाइट मोशन ऐप में इनपुट करने के लिए आप लोग यहाँ पे इस ऐप के ऊपर आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेना। दोस्तों आप लोग जो दो प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन ऐप में इनपुट करेंगे उसके नेम है एक सॉन्ग बीट माई स्विच ऑन और दूसरा शेक एवरी माई स्विच ऑन। दोस्तों प्रोजेक्ट इनपुट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सॉन्ग बीट माई प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे वीडियो की फर्स्ट में आना, फिर यहाँ पे जो ग्रुप लेयर के नीचे जो इमेज लेयर है इस इमेज लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे कलर फील्ड में टैप करना, फिर आप लोग का मीडिया बटन को टैप करना। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग अपनी पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। फिर दोस्तों आप लोग इस वाले लेयर से बाहर आ जाना। फिर यहाँ पे जो वीडियो के फास्ट में जो आप लोग यहाँ पे ग्रुप लेयर दिख रही है इस ग्रुप लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग एडिट ग्रुप में टैप करना। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को और ग्रुप लेयर नजर आएगी। आप लोग इन सारे ग्रुप लेयर में इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे ग्रुप लेयर को टैप करना, फिर एडिट ग्रुप में टैप करना। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे जो इमेज लेयर इस इमेज लेयर को टैप करना, फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना, फिर मीडिया बटन को टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग इस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग इस वाले ग्रुप से बाहर आ जाना। फिर यहाँ पे दूसरे ग्रुप लेयर को टैप करना, फिर एडिट ग्रुप में जाना। फिर आप लोग इमेज लेयर को टैप करना, फिर कलर फील्ड में टैप करना, फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग इस पिक्चर को आप लोग दोबारा सेलेक्ट करना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बाहर जाना। फिर आप लोग इस वाले ग्रुप लेयर से बाहर जाना। दोस्तों इस तरह आप लोग इन दोनों ग्रुप लेयर में इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, यानी कि ऐड कर लेना। दोस्तों मैं यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इन सारे ग्रुप लेयर में पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले लेयर से यानी कि इस वाले ग्रुप लेयर से बाहर आ जाना। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना। दोस्तों यहाँ पे ग्रुप लेयर छोटा रहा तो आप लोग ग्रुप लेयर का टैप करना, फिर आप लोग इस ग्रुप लेयर को खींच के आप लोग इसके बाद में जो रेड लाइन है वहाँ पे ले आना। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे 11.2 सेकंड पे आना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बाहर आ जाना। फिर यहाँ पे आप लोगों को ईमेल लेयर और ग्रुप लेयर दिखेगी वीडियो के लास्ट तक। आप लोग यहाँ पे इस ईमेल लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना, फिर मीडिया बटन को टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग एक और पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर इसके बाद में पिक्चर लेयर है इस पिक्चर लेयर को टैप करना, फिर आप लोग कलर फील्ड में टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे मीडिया बटन को टैप करना, फिर आप लोग इस पिक्चर को आप लोग यहाँ फिर से सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर में आना, फिर आप लोग इस पिक्चर लेयर के ऊपर टैप करना, फिर कलर फील्ड में टैप करना, फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग एक और न्यू पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर यहाँ पे इसके ऊपर में जो ग्रुप दो ग्रुप लेयर देखेगी आप लोगों को, उन दोनों ग्रुप लेयर में आप लोग इस वाले लेयर में जो पिक्चर सिलेक्ट किए हैं इन ग्रुप लेयर में, इन दोनों ग्रुप लेयर में इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों पिक्चर सिलेक्ट करने के आप लोग ग्रुप लेयर का टैप करना, फिर एडिट ग्रुप में टैप करना। फिर इसके नीचे जो इमेज लेयर है इस इमेज का टैप करना, फिर कलर फील्ड में टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे मीडिया बटन के ऊपर टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसके पहले पहले पिक्चर लेयर में जो पिक्चर सिलेक्ट किए उस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर प्लस वाले बटन का टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर आप लोग ग्रुप लेयर से बढ़ा जाना। फिर जहाँ पे आप लोग पिक्चर ऐड किए हैं वहाँ पे आना। फिर यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप लेयर है इस ग्रुप लेयर का टैप करना, फिर एडिट ग्रुप में टैप करना। फिर आप लोग जिस पिक्चर को अभी सिलेक्ट किए उस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर प्लस वाले बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर आप लोग ग्रुप लेयर से बढ़ा जाना। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना।
जहाँ पे आप लोग पिक्चर ऐड किए उसके बाद में पिक्चर ऐड बना, फिर यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में दो ग्रुप लेयर दिखेगी। आप लोगों के इन दोनों ग्रुप लेयर में इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि इस वाले जो पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए इस वाले पिक्चर को आप लोग इसके बाद में जो दो ग्रुप लेयर है इन दोनों ग्रुप लेयर में इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आप लोग ग्रुप लेयर को टैप करना, फिर ग्रुप में टैप करना, फिर आप लोग नीचे जो इमेज लेयर है इमेज टैप करना, फिर कलर फिर में टैप करना, फिर मीडिया में टैप करना, फिर दोस्तों आप लोग पिक्चर को सिलेक्ट करना, फिर आप लोग टैप करना, फिर आप लोग ऐसे बढ़ा जाना, फिर आप लोग ग्रुप लेयर से बढ़ा जाना, फिर आप लोग जहाँ पे पिक्चर ऐड किए वहाँ पे चले आना, फिर आप लोग यहाँ पे दूसरी भी ग्रुप लेयर का टैप करना, फिर आप एडिट ग्रुप में टैप करना, फिर दोस्तों आप लोग इस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ओपन में प्लस का टैप कर देना, फिर आप लोग यहाँ से पढ़ा जाना जहाँ पे आप लोग पिक्चर ऐड किए वहाँ पे चले आना। दोस्तों इन दोनों ग्रुप लेयर में पिक्चर ऐड हो जाने के बाद इसके नीचे जो ग्रीन कलर की इमेज आती है इस ग्रीन कलर इमेज को टैप करना, फिर कलर फिर में टैप करना, फिर आप लोग मीडिया बटन को टैप करना, फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग के एक और न्यू पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाले बटन को टैप कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। यहाँ पे आप लोग जो पिक्चर ऐड किए यानी कि इस लेयर में जो आप लोग पिक्चर ऐड किए इस पिक्चर को आप लोग ऊपर में इसके बाद में जो ग्रुप लेयर है इस ग्रुप दोनों ग्रुप लेयर में आप लोग इस वाले पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर इसके नीचे जो ग्रीन कलर का इमेज लेयर है इस ग्रीन कलर इमेज लेयर में आप लोग एक और न्यू पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, यानी कि एक और न्यू पिक्चर को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। इस तरह दोस्तों यहाँ पे जितने भी लेयर है आप लोग इन सारे लेयर में जिस तरह मैंने बोला उस तरह आप लोग यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों इन सारे लेयर में पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ा जाना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों ओपन करने के बाद सबसे नीचे जो पिक्चर लेयर इस पिक्चर टैप करना, फिर आप लोग इफेक्ट में टैप करना, फिर थ्री डॉट को टैप करके आप लोग कॉपी इफेक्ट कर देना, फिर ऊपर में जो स्विच ऑन सीसी नेम वाले जो तीन इफेक्ट लेयर दिखेगी इन तीनों इफेक्ट लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग डबल ऑप्शन टैप करके आप लोग कॉपी थ्री लेयर्स कर देना, फिर आप लोग इस वाले लेयर से पड़ जाना, फिर आप लोग सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे दूसरी वाले लाइन पे आना यानी कि सिक्स पे आना, फिर आप लोग डबल ऑप्शन में टैप करके आप लोग पेज थ्री कर देना, फिर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर जहाँ पे आप लोग पिक्चर ऐड किए हैं वहाँ पे आना, फिर यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में जो ब्लू कलर की लेयर देखिए इस लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग इफेक्ट में टैप करना, फिर आप लोग थ्री लेयर के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना, फिर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर यहाँ पे जो ग्रुप लेयर के नीचे जो ब्लू कलर की लेयर देखिए इस लेयर के ऊपर टैप करना, फिर इफेक्ट बटन के ऊपर टैप करना, फिर थ्री लेयर के ऊपर टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। इस तरह दोस्तों यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर की लेयर है इस सारे लेयर में आप लोग इस तरह इस वाला इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेना। दोस्तों इस वाला इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाने के बाद आप लोग वीडियो के फास्ट में ना, फिर यहाँ पे आप लोग जो स्विच ऑन नेम वाले सीसी लेयर है तीन सीसी लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में आना, फिर आप लोग इस वाले बटन के ऊपर टैप कर देना, यानी कि इस तीन सीसी लेयर को आप लोग वीडियो के लास्ट तक कर लेना, फिर आप लोग इस वाले लेयर से बढ़ा जाना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग यहाँ पे एडिट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक्सेल फाइल को इनपुट करके वीडियो को एडिट करें तो आप लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों सॉन्ग ऐड करने के लिए आप लोग वीडियो के फास्ट में आना, फिर दोस्तों आप लोग हमें नीचे प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग मीडिया में टैप करना। दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले स्टेटस वीडियो के डाउनलोड लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, फिर दोस्तों आप लोग इस वाले वीडियो को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस वाले वीडियो लेकर ऊपर टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में टैप कर देना, फिर आप लोग इस वाले वीडियो लेकर ऊपर टैप करना, जो वीडियो को आप लोग सिलेक्ट किए इस वाले वीडियो लेकर टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में डिलीट बटन के ऊपर टैप करके आप लोग वीडियो को डिलीट कर लेना। तो इस तरह आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में इस वाले बटन को टैप करना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट बटन के ऊपर टैप कर देना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे से बल बटन को टैप करके आप लोग यहाँ पे वीडियो को सेव कर लेना। दोस्तों आज के वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।